नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकेश शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के झज्जर में और आज जिस फार्म पर आए हैं यहां पर देसी गायों का गौपालन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है व यहां से निकलने वाला दूध, दही, घी शहरों में पहुंचता है और शहर दिल्ली NCR के आसपास के इलाकों में। तो यहाँ पर इस फार्म का संचालन कर रहे डॉक्टर विनय सांगवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी व्यूअर्स को नमस्कार जी। अपना एक बार परिचय बताइए कि क्या गांव है आपका, इसका नाम क्या है और आप कितने वर्षों से ये पूरा प्लान कर रहे हैं? सर, मेरा नाम डॉक्टर विनय सांगवान है, हमारे फार्म का नाम गोकुल फार्म है। ये हमारा गाँव खरमाना, तहसील बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट जिला झज्जर, हरियाणा के अंतर्गत आता है। तो इस फार्म की क्या खासियत है, आइए चलते चलते बात करते हैं। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे कि आपसे हमारी पहले ही बातचीत हुई थी, आपने बताया देसी गायों का गौपालन आप लोग कर रहे हैं, तो लगभग कितने गौवंश आपके पास? हमारे पास लगभग 200+ हैं गौवंश, देसी गौवंश है सभी। हमारे पास मुख्यतः 5 ब्रीड्स हैं, साहिवाल, राठी, गिर, थारपारकर और हरियाणा नस्ल। अच्छा, एक बात आती है फार्म मैनेजमेंट की, क्योंकि जब पहले जमाने में हम देखते थे तो गौशालाएं बड़े अलग तरीके से होती थी, आजकल मॉडर्न तकनीक पे काम किया जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ जैसे आपके फार्म में एंट्री करी तो पूरा स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ ट्रैक्टर भी है, पूरा ही आपने शेड बनाया हुआ है। इस शेड के अंदर क्या हो रहा है? सर, ये जो शेड है ये आयरन शेड है, उधर हमने लेंटर का शेड डाला है। अच्छा, ये अलग अलग मॉड्यूल से हमने एक्चुअली बनाया है। एक बार पास आके दिखाइए जी। तो ये जो है ये गर्मियों के लिए है, हमने इसकी हाइट भी अच्छी रखी है, 25 फीट तक हमने हाइट रखी है। अच्छा, ऐसा आपको जनरली इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा जी। इसका मेन रीजन यही है कि जो हीट आएगी ऊपर से आयरन शेड पे, तो वो आराम से पास हो जाएगी। और हमने इसमें से वेंटिलेशन का पूरा कवर रखा है। अच्छा, ये ऐसा शेड है, इसमें बिना पंखे के भी आप देख सकते हो कि लगभग अंदर और बाहर में 7-10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का फर्क आ जाता है जी। अच्छा, आमतौर पर जैसे हम देखते हैं कि जब हमारी गौ माता या जो हमारे अन्य पशु होते हैं तो उनके लिए फैन वगैरह लगाए जाते हैं, कूलर लगाए जाते हैं, तो यहाँ तो वेंटिलेशन तो प्रॉपर है, आपने कुछ लगाया भी नहीं हुआ है? नहीं, जो अंदर लेंटर का शेड है उसमें हमने प्रॉपर फैन वगैरह सब लगाए हैं, एग्जॉस्ट भी लगाए हैं, बट इसमें हमें वो महसूस नहीं हुआ। और यहाँ पे इतना परफेक्ट है ये, मतलब डेयरी फार्म के लिए परफेक्ट शेड यही हो सकता है। तो कितने गौवंश यहाँ पर आ सकते हैं? ये हमने 120x45 का है ये शेड का। अच्छा, तो इसमें अराउंड 60 एनिमल आ जाते हैं। अच्छा, गौवंश की बात करें, देसी गायों की बात करें, तो आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं? सर, हमने मुख्यतर तो ब्रीड रखी है, साहिवाल है और थारपारकर है। अच्छा, राठी भी हैं जी। अभी हम मतलब हमने स्टार्टिंग में 5 ब्रीड्स रखी थी जी, बट आपको भी पता है कि 5 ब्रीड्स का जो फिर संवर्धन है उसका मैनेजमेंट, उसके लिए काफ़ी जगह चाहिए जी। तो अभी हम फिर अपना मर्ज करते आ रहे हैं, अभी हम आगे इन फ्यूचर 1 साल के अंदर हम 2 ही ब्रीड रखेंगे, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, थारपारकर और साहिवाल नस्ल। अभी वैसे हमारे पास फिलहाल 4 नस्लें हैं। तो अगर बात करी जाए देसी गायों का गौपालन करना, लोग कहते हैं बड़ा टफ है, ऐसी जैविक खेती में लोग कहते हैं कि जैविक खेती करना तो बहुत, मतलब सस्टेनेबल करना बहुत टाइम लगता है, तो आपका क्या मानना है, आप कितने वर्षों से लगभग कर रहे हैं? हमें सर 6 साल हो गए हैं ये हमारा फार्म स्टार्ट किए। और ये सच्चाई है देखो कि आजकल लोग क्या है कि फर्स्ट टाइम में फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट देखते हैं, तो अपना देसी गायों के साथ ऐसा नहीं हो सकता जी। मैं एक्चुअली सच्चाई बताऊं, मैनेजमेंट सबसे नंबर 1 है कोई भी काम के लिए, किसी भी सेटअप के लिए जी। एक तरह से ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप ही है, क्योंकि तो बहुत सारे लोग अपना इस काम में आ रहे हैं, पर मेन बात यही है कि आप देसी गाय के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में 1-2 साल तक तो आप सीखते ही हैं, क्योंकि ये आप वो बनाया मॉड्यूल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है इतना इनका, जो मतलब हम जो भी डेयरी ट्रेनिंग लेते हैं वो सब वो हम कभी देसी गायों के प्रति लेके नहीं करते, क्योंकि इनका रख रखाव इनको एक भाव के साथ रखा जाता है। और लोग क्या रखते हैं कि इनको मतलब एक तरह से मशीन समझा जाता है कि एक गाय बांधी वो दिन का 10 लीटर दूध देगी और साल का इतना देगी, तो इस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, बट जब एक्चुअल में लाइव जब आते हैं तो वो सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो उसी बात को आप जो भी गोपालन करना चाहते हैं या गायें रखना चाहते हैं, पहले 1-2 गायें से स्टार्ट करें और उनका एक्सपीरियंस लेके फिर आप इन फ्यूचर आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये बड़ी मतलब इसको देख के, केवल इंटरनेट पे देख के और यूट्यूब पे देख के लोग सोच लेते हैं कि मतलब देसी गायों से इतना लीटर दूध दे रही है और इतना इसका गौपालन करके इतना मुनाफा कमा लेते हैं, तो वो उस भ्रांति से हट के उनको प्रैक्टिकल चीज़ में छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। क्या कि स्टार्टिंग एक्साइटेड बहुत होते हैं लोग देख के, कि ये देखते हैं कि इनका तो इतना महंगा दूध जाता है, इतना महंगा घी जाता है, बट वो ये नहीं देखते कि एक HF जर्सी गाय की तुलना में वो 25 से 30 लीटर की एवरेज देती है, तो ये 8 से 10 लीटर की एवरेज देती है।
तो इसकी तुलना में उनका 1/3, 1/4 दे रही है, तो उसी हिसाब से 1/4 इनका 4 times महंगा जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी आप एक सस्टेनेबल आ पाएंगे। और देसी गाय का या कोई भी डेयरी फार्म है, अगर सच्चाई यही है कि आपको असली बचत वही है, जो आप अच्छी ब्रीड की गायें रखें, अच्छे नंदी से उनका संवर्धन करें, तो जो बछड़े बछड़ी आएंगे वही आपकी एक्चुअल में बचत है। क्योंकि जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लग गया वो तो कभी रिकवर हो ही नहीं पाता। डे टू डे के जो खर्चे हैं वही आदमी निकाल पाता है, और ये मैं खुद कोई हवा में बात नहीं कर रहा। टर्नओवर एक अलग चीज़ होती है और एक बचत अलग चीज़ होती है। टर्नओवर तो कहने में हमारा भी करोड़ों का है, बट एक जो बचत है वो एक एट ए पॉइंट ही समझ में आती है। और ये हरियाणवी भाषा में कहावत है, और बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं कि अगर किसान और मतलब जो पशुपालक है एक एक रुपये का हिसाब लगाने लग जाए तो सब कुछ बेच देगा। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर आप हर एक बाणिया की तरह अगर आप एक एक चीज़ का हिसाब लगाओगे तो आप ये सोचोगे कुछ बचत नहीं है। पर हमने कोई बचत के लिए काम शुरू नहीं किया था, बस गौ माता की कृपा रही कि और हमें हमारे साथ बहुत परेशानी आई, दिक्कत आई, पर उसके बाद भी हम ये है कि आज आप जैसे लोग हैं जान रहे हैं, और लोग जो भी जुड़ते हैं मिलते हैं तो यही कहते हैं एक आप अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों को देखो यही बोला जाता कि एक अच्छा जो खाने को दो या पीने को दो, जो दूध और घी है इनकी गुणवत्ता अमृत के समान है। ये कोई हम सिंपल आजकल देखते हैं दूध में दूध ही नकली है, ये दूध नहीं है तो अमृत है। क्योंकि यही बात हम बताना चाहते हैं कि नॉर्मल दूध तो होता ही है पर इनका दूध नहीं होता, A2 आजकल तो साइंटिफिक प्रूव्ड हो चुका है। मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी है, मतलब ये ऐसा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि गायों को खुला रखा जाता है, देसी गायों। हमारा जो अभी आप देख सकते हो ये सभी गायें हमारी घूमने गई हैं, ये यहाँ पे वो गायें हैं या बुल हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनकी आदत नहीं है जो बीमार है, हम सभी गायें हमारी घूमने जाती हैं। हमारे पास लगभग 300 एकड़ ज़मीन है, पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 ही गाँव हैं जहाँ नेचुरल ग्रेजिंग लैंड गोचर भूमि है, तो उनमें से हमारे 100 गाँव हैं। तो इसी का हमने फ़ायदा उठाया और गायों को घूमने दिया। तो आजकल जो ट्रेंड भी है वेस्टर्न कंट्रीज में, ये अपना स्ट्रेस फ्री काऊ मिल्क, काऊ कडलिंग भी चल रही है, वो सब हमारी संस्कृति में कभी से रहा है। पर क्या है कि लोग घूम के वापस आते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं, फिर वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं वापस आयुर्वेदा और हर ट्रेडिशनल पे आ रहे हैं। तो वही बात है, हमारा तो कभी से गायों को खुला रखा जाता था, गायों को के साथ जो श्री कृष्ण भगवान खुद गायों के ग्वाले थे, तो उनसे ही हमें सीखना चाहिए कि वो भगवान होके उन्होंने गायों की सेवा की, तो हम इंसान हैं, हमें भी ऐसा कुछ मतलब आदमी का जब इनके साथ रहता तो एक हमेशा पॉजिटिव वाइब रहती है, कभी भी स्ट्रेस नहीं आता। मतलब मैं इतना बताऊं परिवार में सुख शांति और हमेशा ये आएगा, आपके वाइब्स आएंगी। तो हम भी अपने किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि देसी गायों के संरक्षण पे काम करें, देसी गायों का गौपालन करें। इसी के साथ साथ जो लोग ये सोचते हैं कि देसी गाय का दूध इतना महंगा है, उनको समझना चाहिए कि इसके संवर्धन पर जब कोई किसान काम करता है, कोई पशुपालक काम करता है, तो उसका कितना पैसा उस पर खर्च होता है और एक आत्मीयता होती है जिसके कारण से वो उस गायों का पालन करता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी हमें पूरी उम्मीद है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, Facebook पे हमको फॉलो करें, लाइक करें, Instagram पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप खेती किसानी की कोई भी खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप kisantak.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हम थे आज हरियाणा के झज्जर में और ये था गोकुल फार्म्स। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।